एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ हमारे इस शो में हमारे साथ है आज अदिति एंड अनुजा वैद्य। अदिति आपका भी स्वागत करती हूँ और अनुजा आपका भी स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। अदिति और अनुजा जो है वो गुजरात की फर्स्ट सिस्टर जो माउंट एवरेस्ट सर करके आई है और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने ये माउंट एवरेस्ट जो किया है उनके बारे में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह से वो माउंट एवरेस्ट गए थे और उनकी जर्नी कैसी रही वो जानने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अदिति और अनुजा को डी कुशाल भाई की ओर से ये जो सुंदर गिफ्ट दिया गया है उनसे मैं उनका स्वागत और सम्मान करती हूँ। आप दोनों को विश्व महिला दिन की शुभकामनाएं आप दोनों को और ऐसे ही आप हमेशा ऐसे ही हमेशा तो नहीं बोल सकते लेकिन आप अभी अभी माउंट एवरेस्ट की जो सर करके आई है 2 साल पहले की बात है लेकिन अभी भी सबके दिमाग में है कि आप छोटी उम्र में बहुत कुछ करके आई है। तो सबसे पहले तो अदिति मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये आपको विचार कैसे आया और किस तरह से आप गई और दोनों बहनें साथ क्यों गई और कैसे गई। बहुत ही लंबी जर्नी रही है हमारे लिए ये और एक बहुत प्यारा और यादगार सफ़र था। चालू करना चाहूँगी मैं कि हमने ये सोचा क्यों, हमने कैसे किया ये। तो जब हम बहुत छोटे थे शायद 5 ईयर्स की थी अनुजा और मैं 9 ईयर्स की रही होंगी तब हमने एक माउंटेन क्लाइंब किया था उस एज में और वो 18,000 करीबन 18,000 फीट का माउंटेन था रुद्रगैरा उत्तराखंड में है। तो बस तभी अब याद तो मुझे नहीं है पर जितना मम्मी पापा ने हमें बताया है उसके हिसाब से मैं पूरा चल के गई थी। इसने भी काफ़ी चला था, इसको आधे में उठाया भी था ऐसा। तो लेकिन तब से ही हमारी सारी वेकेशन, स्कूल की वेकेशन, सब कुछ पूरा हमारा माउंटेन्स में ही गया है तब से। तो मम्मी पापा ने ही वो हमारे में कल्टिवेट की है पूरी हमारी हैबिट, पूरा हमारा ये जर्नी जो है वो उन्हीं की वजह से है बेसिकली। तो बचपन से ये सब ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, ये सब करने की हमें शौक था और हमेशा वही किया है। और बड़े होते होते फिर हमने ये सोचा कि अगर मतलब इतने सालों से एवरेस्ट क्लाइंब हो रहा है, इतने सालों से, लेकिन आज तक एवरेस्ट के मैप पे किसी गुजराती का कदम नहीं पड़ा है या एक वो नहीं लगा है। तो हमने सोचा कि अगर हम बचपन से माउंटेनियरिंग करते हैं, अगर हम नहीं ट्राई करेंगे तो और कौन ट्राई करेगा। तो दैट इज़ हाउ वो हमारा थॉट आया और मम्मी पापा ने भी थॉट दिया उसके बारे में, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कदम था ये। तो वो सब फिर सोच विचार करने के बाद हमने सोचा कि एवरेस्ट करते हैं। तो दैट इज़ हाउ हमने ये प्लान किया कि हमें एवरेस्ट करना है जी। बट ये कितने दिनों की आपकी जर्नी थी, कितना कैसे किस तरह से आपने ये सफर पार किया? तो सूरत टू सूरत हमें टोटल 2 मंथ्स लगे एवरेस्ट क्लाइंब करने में। पर एक विलेज है लुकला करके नेपाल में, हम बेसिकली चलना उस विलेज से स्टार्ट करते हैं और जब से वहाँ से हम चलना चालू करते हैं तब से लेके वापस वहाँ तक आने में हमें 51 डेज लगे। तो 51 डेज वी वर ऑन फुट, वी वर वॉकिंग ऑन आवर ओन। तो काफ़ी, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी ठंडा है मेरे ख्याल से। तो वो आपने और आप, हम आपकी मतलब हमारी जो सूरत की जिस तरह से सूरत का क्लाइमेट है तो उसमें आप कैसे सेट हुए? वहाँ तो बहुत ही ठंडी थी, अगर मैं टॉप की बात करूँ तो -50 degrees था वहाँ। उतना तो अपने रेफ्रिजरेटर में भी नहीं होता है। इसलिए तो, मैं पूछ रही हूँ ना कि ये आपने और आपकी एज जिस तरह से बहुत छोटी है दोनों, तो किस तरह से आपने मैनेज किया? वहाँ हम जाते हैं ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, उस हिसाब के स्पेशल क्लोदिंग आती है जो हमें लेनी पड़ती है। पूरा सूट आता है, उसे डाउन सूट बोलते हैं, फेदर सूट बोलते हैं। तो वो सब कपड़ों की तैयारी करके जानी पड़ती है और वहाँ की हवा में, वहाँ के एटमॉस्फेयर में हमें यूज्ड टू होना पड़ता है। उसके लिए हम वहाँ
से फॉर एग्जांपल हम बेस कैंप तक पहुंचते हैं, उसके बाद कैंप वन जाके हम वापस बेस कैंप आ जाते हैं, फिर कैंप नेक्स्ट टाइम हम जाते हैं कैंप टू तक, फिर वापस बेस कैंप आ जाते हैं. इस पूरे प्रोसेस को एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ता है वहाँ की हवा में और सब कुछ में सेट होने के लिए, होने के लिए. फिर खाने पीने का जो आपका मतलब उस समय जब आप सफ़र कर रहे थे, जब आप चढ़ रहे थे, तब आपको काफ़ी डाइट कुछ भी करना पड़ा होगा, या तो खाने पीने का ध्यान आपने किस तरह से रखा? खाने पीने का बेसिकली ये होता है कि माउंटेन्स पे स्पेशली जब आप हाइट गेन करते हैं, एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो भूख कम हो जाती है आपकी अपने आप बिकॉज ऑफ योर बॉडी का मेटाबॉलिज्म और वहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है उसके वजह से. पर आपको याद रखना होता है कि खाना तो खाना ही है, और मैक्सिमम चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होती है वहाँ पे वो है कैलोरीज, एंड हाईएस्ट कैलोरीज मिलती है शुगर, चॉकलेट्स, न्यूट्रिशन बार्स. तो मैक्सिमम हम लोग यू नो आफ्टर सर्टन हाइट उसी पे रहते हैं. पर उससे पहले हम थोड़ा मतलब बेस कैंप तक वी गेट दाल चावल, जो हमारा रेगुलर खाना होता है वो बेस कैंप तक तो हमें मिल जाता है, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन, वो दो महीने का पूरा सवाल है. तो बेस कैंप तक हमको मिल जाता है. उसके बाद जो होता है वो मैगी, जो जल्दी से बनती है क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता है, तो आपको पहले आइस मेल्ट करना पड़ता है, उससे आप पानी बनाते हैं, उस पानी में फिर आप खाना बनाते हैं. तो और गैस होती नहीं है क्योंकि आप जो भी वहाँ लेके जाते हो आप खुद लेके जाते हो, या कोई इंसान आपके लिए लेके जाता है, पर हर चीज़ वहाँ पे नहीं मिल सकती आपको. प्लस वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है एयर में, तो गैसेस ऐसे जलती नहीं है इजीली जैसे हम यहाँ पे स्टोव्स जलाते हैं. तो स्पेशल एक छोटी सी गैस होती है ब्यूटेन गैस, वो लेके जाते हैं, और वो अमाउंट मतलब बहुत लिमिटेड होती है. तो यू हैव टू रैशन कि इतना पानी, इतना खाना, इतना गैस, तो उसके हिसाब से जो क्विकली फूड बन जाए. जैसे अब तो खैर आज की डेट में तो रेडी टू ईट वो डिहाइड्रेटेड पैकेट्स मिलते हैं कि भाई दाल चावल को भी पानी में डाल दो और हो गया. पर मैक्सिमम हम ये ट्राई करते हैं कि कैलोरीज जाए, तो मैगी होती है, चॉकलेट, शुगर, न्यूट्रिशन बार्स, इस सब पे मैक्सिमम फोकस होते हैं. मतलब कहा जाए तो जैसे सिंपल सा वर्ड है कि अदिति एंड अनुजा ने माउंट एवरेस्ट सर किया. सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चंस, मतलब सिंपल सा वर्ड है, बट इसके पीछे जो उन्होंने जिस तरह से जाने के लिए जो जर्नी उनकी रही है, और जिन जिस तरह से उनको कठिनाई के साथ ये एवरेस्ट सर किया है, वो बहुत बड़ी बात है. और इतनी कम उम्र में जिस तरह से विचार आना और उसके बाद उसको एक लक्ष्य के साथ उसको पूरा करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है. और ये मेन ये बात है कि हमारे गुजरात का नाम ये रोशन करके आई है कि ये उन्होंने जो लक्ष्य किया था वो पूरा करके आए हैं और गुजरात का नाम रोशन किया. गुजरात के साथ साथ उन्होंने सूरत का नाम भी रोशन किया है, और साथ में उनके जो परिवार है, परिवार का नाम भी उन्होंने रोशन किया है कि बेटियां, घर की बेटियां जब ऐसे एवरेस्ट को सर करती है तो बात कुछ अलग होती है. लड़के बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ कर भी लेते हैं, अकेले जाते भी हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब लड़की की बात आती है तब पेरेंट्स को भी थोड़ी सी चिंता रही होगी कि दोनों लड़कियां जा रही है, बेटियां जा रही है, तो ये कैसे करेगी, कैसे सब कुछ करके आएगी. और ये सफ़र जो था एक दो दिन का नहीं था, ये पूरे दो महीने का सफ़र था. तो अदिति, मैं और एक बात पूछना चाहूँगी कि आपकी मम्मी और जी, पापा जी. जिस तरह से आपको मतलब भेजा आपको ये करने के लिए, तो उस तरह का जो अनुभव और माहौल किस तरह का था? इतना कहूँगी कि हम बहुत ही थैंकफुल है कि हमारे पेरेंट्स हमें, हमें और यू नो लड़कियाँ और लड़कों में उन्होंने कभी फ़र्क किया नहीं है. हमें वैसे ही बड़ा किया है कि तुम जो चाहो वो तुम कर सकती हो. पर जैसे कि आपने कहा कि दोनों बेटियाँ हैं, कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स हैं, उनके दिमाग में टेंशन थोड़ी रहती ही है. और बहुत सारे लोगों ने भी ये कहा था उन्हें कि यू नो दोनों लड़कियां हैं, दोनों को आप साथ भेज रहे हो ऐसे. और माउंट एवरेस्ट की बात ये होती है, स्पेशली जो माउंटेनियरिंग में हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात कि माउंट एवरेस्ट पे अगर आप जाएं तो हो सकता है आप वापस ना आए. बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है आप वापस ना आए, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है शायद आपके उंगलियां कटी हो, हाथ कटे हो. इसीलिए ही मेरा ये दबावपूर्ण आपको पूछना और प्रश्न रहा है कि पेरेंट्स का क्या
माहौल था, मतलब पेरेंट्स ने क्या सोचा है और किस तरह से आपको वहाँ तक जाने दिया है? उन्होंने काफ़ी सोचा हमें हाँ बोलने से पहले या हमारे दिमाग में ये आइडिया डालने से पहले कि आप एवरेस्ट जाइए, उन्होंने बहुत सोचा खुद आपस में काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने, और मेरे मम्मी और पापा दे बोथ आर ऑल्सो माउंटेनियर्स, तो वो जानते थे कि वो हमें कहाँ भेज रहे हैं, पर उन्होंने उसके बारे में सोचा और फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम माउंटेनियर्स हैं, हमारे बच्चे माउंटेनियर्स हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए और हमें उन्होंने सारी ट्रेनिंग दी है बचपन से, जैसे हमने कहा हम माउंटेन्स में हम गए हैं एंड ऑल दैट, सारी ट्रेनिंग हमें दी है, तो पापा मम्मी को इतना तो पता था कि इनको पता है बेसिक जो होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, सारी हमने माउंटेनियरिंग के प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज सब किया है, तो उनको वो सब पता था कि ये लोग वेल ट्रेन्ड हैं, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट था कि भाई हमारी बेटी जाएंगी और वो जो ध्येय है मतलब जो लक्ष्य था उनका कि वो माउंट एवरेस्ट को सर करके आएगी, तो ये दोनों करके आई है और बहुत ही अच्छा आज प्राउड फील हमें भी हो रहा है कि बेटियां आज ये ऐसा जो एक मोटिवेट करता हुआ काम करके आई है, और भी जो मतलब इस एज में जो लड़कियां हैं आजकल काफ़ी सारे फील्ड्स में अग्रेसिव है, आगे है, कहा जाए तो लड़कियां सब चीज़ों में आगे है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अनुजा आपसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगी कि जिस तरह से माउंट एवरेस्ट आपने किया, पर उस दौरान आपकी जो आप छोटी दोनों छोटी है पढ़ाई भी आपकी साथ होगी, तो पढ़ाई को मतलब आपने किस तरह से मैनेज किया और किस तरह से अरेंज किया? सो जब एवरेस्ट क्लाइंब करने गए थे हम, तब मेरी बस कॉलेज ख़त्म होके एक साल हुआ था, तो उस एक साल में मैंने एवरेस्ट की प्रिपरेशन ही की है, और उसके बाद जब मैं एवरेस्ट गई तो तब मेरे पे ऐसा कोई, क्योंकि मैंने और कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था नेक्स्ट, तो इसलिए वैसा टेम्पररीली मेरे पास मेरे ऊपर वैसा प्रेशर नहीं था। एंड आई थिंक सेम विद अदिति, अदिति बस अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके लंदन से वापस आई थी, एंड उसके बाद तो हमने एक साल साथ ट्रेन किया एंड देन एवरेस्ट क्लाइंब करने गए। मतलब ये चीज़ भी बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब पढ़ाई भी हमारी ना बिगड़े और हम कुछ काम करके आए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ों में आगे रहना ज़रूरी है। कुछ ऐसा कहा जाए तो कुछ लेने के लिए मतलब कुछ देने के लिए खोना भी पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है, तो कई चीज़ों में पढ़ाई भी नहीं कर सकते, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती थी। एक्चुअली जब हमने ये जब कोर्सेज और सब किया तो उस दौरान तो हम कॉलेज में और स्कूल में ही थे, तो उस टाइम ऐसे, अब ये जो कोर्सेज होते हैं वो आर्मी के अंडर रन होते हैं, ये कोर्सेज सारे कर्नल्स और मेजर जनरल्स और वो सब होते हैं उनके प्रिंसिपल्स, तो वहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, पूरा आर्मी जैसा होता है सब। सो अब वहाँ अपने मन से डेट्स और सब तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, अब डेट्स ऐसी होती थी कि थोड़े दिन कॉलेज के या स्कूल के जाएंगे मिस, और वो हमने परमिशन लेने की ट्राई करी पर वो लोग नहीं, कॉलेज वाले या स्कूल वालों ने परमिशन नहीं दी, पर फिर भी ये करना तो था ही हमें कुछ भी करके। सो आई वेंट फॉर द कोर्स एंड आने के बाद मुझे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी है, ऐसा नहीं है कॉलेज में मुझे थोड़े इश्यूज़ भी आए थे, पर आई थिंक अगर तुम, अगर हम चाहें ठीक से उसे मैनेज करना तो सब कुछ कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से आपने ठान ही लिया था कि हमें करके ही आना है, तो अदिति आगे क्या करने का विचार है? अभी तो आपने ये इतना अच्छा मतलब कर लिया है कि गुजरात और सूरत को मतलब एक गौरव किया है, मतलब प्राउड फील होने की बात है ये, बट आगे आप दोनों क्या करना चाहती हैं अभी? बेसिकली हम एक मिशन पे हैं, तो दैट मिशन इज़ कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है, खंड जितने भी खंड 7 खंड है, हर एक कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक क्लाइम करना, और उसमें से मैंने 3 किए हैं और अनुजा ऑलरेडी 6 कर चुकी है, और उसका 7th भी हो जाता अगर ये कोविड और सारी सिचुएशन नहीं आई होती, पर वो आई और उसके कारण उसका डिले हो गया, और नाउ वो इस जून में जाएगी वो जो लास्ट पीक उसका बचा है वो करने के लिए, पूरा हो जाए और वापस मैं आपको यहाँ पे बुलाऊं इंटरव्यू के लिए, और
आपके आप मतलब जो जर्नी है आपकी वो भी आप हमारे साथ शेयर जरूर करना, ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिले और मोटिवेट हो जाए लोग। और जिस तरह से प्राउड की मैंने बात कही है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आप दोनों का इंटरव्यू ले रही हूँ, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उनको पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा विचार आपको आया और आपने आपकी बेटियों को इस तरह से माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए भेजा और आज वो करके आई है। तो बहुत बहुत आपको अभिनंदन और शुभकामनाएं आपको देती हूँ। अदिति, आप क्या हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? दर्शक मित्रों को वैसे तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि जो भी इंसान जो भी चाहता है वो कर सकता है, बस हमें एक्चुअली डिसाइड करना होता है कि हमें ये करना है। फिर ये सब आप ध्यान में नहीं ले सकते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कहेंगे, आप कुछ भी करोगे लोग कहेंगे, तो आपको क्या करना है आप ये फिक्स रखिए। और स्पेशली क्योंकि हम ये महिला दिन के अवसर पर कर रहे हैं, तो महिलाओं को इतना कहना चाहूँगी कि गर्ल्स महिलाएं सारी पुरुषों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसका लाइव एग्जांपल हमने खुद इस माउंटेन पे देखा है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल, हम पूरी टीम में हम 16 जन थे क्लाइम करने, 24 जन थे जब हमने स्टार्ट किया क्लाइम करने के लिए। हम जब बेस कैंप पे पहुँचे तो हम सिर्फ 16 बचे, और इन 24 में से हम 6 लड़कियाँ थी, और 6 की 6 लड़कियां क्लाइम करके वापस आई सही सलामत। और वो 16 24 में से हम 16 इसलिए हुए क्योंकि कुछ लोग थे जो छोड़ के चले गए, जिनके बस की नहीं हो रही थी, और सारे के सारे मेल्स थे। तो लड़कियों में बहुत ताकत है, और आप जो चाहें वो कर सकती हैं, किसी भी कारण प्लीज़ पीछे मत हटिए। जी जी जी, अनुजा आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? बस यही सारा तो अदिति ने बोल ही दिया है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अदिति ने बोला कि अगर आप जो चाहते हैं लाइफ में, अगर आप ठीक से उसके पीछे मेहनत करेंगे और डिटरमाइंड रहेंगे उसके पीछे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता। सब सबका अपना एवरेस्ट होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका अपना एवरेस्ट ढूँढिए और उसे ठीक से क्लाइम करिए, और तुम सब कर सकते हैं ये। अदिति एंड अनुजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वुमेंस डे पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन। और जिस तरह से हमारा ये शो का नाम हमने जो रखा है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और जिनकी लाइफ जर्नी है, जिनकी सक्सेस स्टोरी है, जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी है, ऐसी वुमेंस का यहाँ से हम इंटरव्यू ले रहे हैं और सम्मान भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो डिजर्व करते हैं वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। और जिस तरह से इन दोनों की बात हम कहें, तो ये गुजरात की फर्स्ट ऐसी सिस्टर है जो माउंट एवरेस्ट सर करके आई है। आज हमने उन दोनों की मुलाकात आप सबसे करवाई है। तो ज़रूर अगर आपको ये शो और ये दोनों की जो बातें हैं उनको अगर आप शुभेच्छा देना चाहते हैं, उनको कुछ मोटिवेट और करना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आप। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबसाइट पे हमारा ये कार्यक्रम, उस पर आप देखते रहिए। और भी बहुत ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी और सक्सेस वुमन, और जिस तरह से एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ ही हमारा शो है, उसमें हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ,
अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं